ताकत देने वाला पवित्र आत्मा है। वो आपको ताकत देगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको सामर्थ्य देगा उसके साथ चलने के लिए, पवित्र आत्मा के क्लोज रिलेशन के लिए पवित्र आत्मा आपको ताकत देगा। सुपरनैचुरल मिराकल्स आपके लाइफ पे, सुपरनैचुरल मिराकल का समय है मेरे प्यारे भाइयों। प्यार करने वाला, हाथों में उठाने वाला वही है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें गिरने नहीं देता है, वो हमें मरने भी नहीं देगा, वो उसके हाथों में हमको उठाएगा। जब आप सोचेंगे प्रभु आई विल नॉट लीव, मैं जी नहीं सकता हूं, अब मैं मर जाऊंगा, नहीं, उसकी दया अपरंपार है। उसकी दया से वो आपको बचाएगा। हिजकिया राजा को यशिया नबी ने प्रोफेसी की। किसने की? बोलो यशिया ने। जोर से बोलो यशिया ने। ही वॉज नॉट ऑर्डिनरी प्रॉफिट। वो छोटा नबी नहीं था, बड़े नबी में से एक नाम था यशिया का। इस प्रोफेसी नेवर फेल्स। उसने प्रोफेसी की 101% पूरी हो जाएगी। यशकिया को प्रोफेसी की अब तेरा समय नजदीक आया है। हालेलुया, अब तेरा जाने का समय आया है। लेकिन यशिया राजा ने परमेश्वर के चरणों में बैठा और प्रेयर किया, प्रार्थना किया, रो रो कर, बिलक बिलक कर, ओ उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने आकाश से सुन ली और परमेश्वर बोला 15 साल में तुझे देता हूं। हालेलुया, मैं तेरा दिनों को बढ़ाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हाउ मर्सीफुल गॉड। बोलो हाउ मर्सीफुल। बहुत परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। बोलो दयालु परमेश्वर। उसके जैसी दया कोई कर नहीं सकता, उसका जैसा दिल कोई रख नहीं सकता। एक सेवक ने गीत मैंने सुना था, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से भी ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। तेरा दिल सृष्टि से भी बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। उसके दिल की हम तुलना नहीं कर सकते, इतना महान अद्भुत परमेश्वर का दिल है मेरे प्यारे भाइयों। और उस सब दिल में, उसके दिल में हम सबको उसने बिठाया है। हालेलुया। उसका दिल इतना बड़ा है कि सारी सृष्टि भी, सृष्टि से भी बड़ा है। हम सब उसके हार्ट में है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं परमेश्वर के दिल में हूं। ऐसा बोल रहे जैसे कि किसी गुफा के बिल में है। गुफा में हूँ, अंधेरे में हूँ, गुफा में हूँ, मैं परमेश्वर के दिल में हूँ। बोलो मैं परमेश्वर के दिल में हूँ। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल एंड ग्रेट थिंग्स जब हम परमेश्वर के दिल में, हालेलुया, हम रहते हैं। उसने हमारा नाम लिखा है। व्हाट अ वंडरफुल। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं मेरे प्यार। वो दया पे दया करेगा आप पर, मर्सीफुल। और आज का सब्जेक्ट यही है कि कितना परमेश्वर दयालु है हमारा। बाइबल में लिखा है कि, एक वचन पढ़ेंगे हम, 2 शमूएल 19 अध्याय और 28 वर्ड। तेरी ओर से
प्राण दंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपने मेज पर खाने वालों में से गिना है। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की दोहाई दूं? मैं प्राण दंड के योग्य था, मैं मरण के दंड मृत्यु के योग्य था, लेकिन तूने मुझे मेज पर बिठाया है। बाइबल में लिखा है वो कंगालों से धूल से उठाकर मेज पर राज ओ गद्दी पर बिठाता है, अधिकारों के लोग बीच में खड़ा करता है वो। व्हाट अ मर्सीफुल गॉड। बाइबल में लिखा है कि और दूसरे सैमुअल 5:8 में कि जो लंगड़े लूले थे, हालेलुया, जो लंगड़े और जो अंधे थे वो राजमहल में प्रवेश न कर सकते थे, राजमहल में उनको एंट्री नहीं थी, लेकिन हालेलुया मफीबोशेत ही एक था जो दाऊद के सिंहासन पर दाऊद के राजपुत्रों के साथ मेज पर बैठकर खाना खाता था। प्रेज द लॉर्ड। ओ व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट अ पावरफुल गॉड। ओ मेरे प्यारे भाइयों, बाइबल में लिखा कि वो जो मफीबोशेत था वो लोदबार में माखीर के घर में रहता था, और माखीर का मीनिंग है सोल्ड, बिका हुआ, पाप में बिका हुआ था। लोदवार का मीनिंग है नो पैचर्स, हरी हरी चराया नहीं, डेजर्ट। जब हम पाप में रहते हैं हम डेजर्ट में रहते हैं, हम रेगिस्तान में रहते हैं। जब हम प्रभु यीशु को छोड़ते हैं तो हमारा लाइफ है वो रेगिस्तान के जैसा हो जाता है। वहां पर कुछ हरी हरी चराया नहीं, सिर्फ हमें हालेलुया गर्मी और प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है हालेलुया कि दाऊद ने उस पर करुणा की और उसे वहां से बुलाया, इनविटेशन दिया। बोलो इनविटेशन दिया। परमेश्वर सबको इनविटेशन देता है। मैं तेरे द्वार पर खटखटा रहा हूं, और जो अपना द्वार खोलेगा उसके दिल में परमेश्वर आता है। हालेलुया, इट इज ओपन इनविटेशन फॉर ऑल, नॉट फॉर क्रिश्चियन, नॉट फॉर एनी रिलीजियन। हालेलुया, इट इज ओपन, हालेलुया इनविटेशन फॉर फ्रॉम आवर हेवनली डैडी, आवर हेवनली गॉड। आज परमेश्वर हम सबको इनविटेशन दे रहा है, हालेलुया, कि बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो इनविटेशन एक्सेप्ट करता है, जो आमंत्रण को स्वीकार लेता है, परमेश्वर उसे हालेलुया बेटा और बेटी का अधिकार देता है। प्रेज द लॉर्ड। राज सिंहासन पर राजों के जो किंग थे, राजपुत्र थे, उनके साथ खाने को बैठा। धूल में था, लेकिन उसकी दया से उसने हालेलुया उसको ऊपर लिया। मैं जब सोचता हूँ और दाऊद के बहुत बड़े वॉरियर लोग थे, योद्धा लोग थे, वो खड़े रहते थे, लेकिन मफीबोशेत अच्छा खाना खाता था। प्रेज द लॉर्ड। जो वॉरियर को नहीं मिल सकता है वो परमेश्वर लवर को देगा। वॉरियर से भी बढ़कर हालेलुया परमेश्वर लवर, परमेश्वर को लवर अच्छे प्रिय होते। इसलिए ओ मरिया ओ लवर थी मेरे प्यारे भाइयों, उसको लोगों को उसने छूने नहीं दिया। यहूदा इस्करियोत बोला, अरे क्यों ये व्यर्थ किया, ये जटामासी का सुगंधित द्रव्य वेस्टेज हो गया, इतना पैसा गरीबी में गरीब लोगों को बांटते थे तो अच्छा हो जाता, सफल हो जाता। लेकिन उसने उसको हालिया रिव्यू कर दिया, हालिया और मरिया को ढांप लिया उसने करुणा से। हालेलुया, जो लवर लेते रहते हैं उनको परमेश्वर उसकी दया से ढांप लेता है। मेरे प्यारे भाइयों, किसी को आपको छूने नहीं देगा, किसी को आपको टच होने नहीं देगा। हालेलुया, कोई आपको छू ना सकेगा, बिकॉज यू आर नॉट ऑर्डिनरी, यू आर लवर ऑफ क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड।
लवर ऑफ क्राइस्ट को ओ बहुत बड़े बड़े ब्लेसिंग है मेरे प्यारे भाइयों। परमेश्वर ने मुझे जब मैं प्रेयर में बैठा था तब परमेश्वर ने मुझे बोला, ओ किसी आंखों से ना देखा, किसी कानों ने ना सुना, किसी मनुष्य के मन में विचार नहीं आया, ओ सोचा नहीं, लेकिन परमेश्वर से जो प्यार करते हैं उनके लिए उसने बहुत बड़े प्लान सिद्ध किए है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़े बड़े प्यार करने वाले के लिए। हाँ आप बोलेंगे नहीं नहीं पास्टर जी मुझे कुछ गिफ्ट नहीं, मोना के जैसा मेरा सुरीला आवाज नहीं, कोकिले सर का आवाज नहीं, कावे सर का है। परमेश्वर बोला बोलेगा अरे तू सिर्फ मुझसे प्यार करता है यही मेरे लिए काफी है। मैं तेरा आवाज तेरे कृत्य को नहीं देखूंगा, तेरे गिफ्ट्स को नहीं देखूंगा, मैं तेरे दिल को देखता हूँ। हालेलुया। योनाथान का लड़का था वो। बोलो योनाथान का। उसका बाप भी उसके प्यार में गिर गया, प्राणों से प्रिय दाऊद हो गया। हालेलुया। उसने देखा फर्स्ट सैमुअल 17 में कि कैसे वो गोलियत को मारता है, उसके ही तलवार से उसको मार दिया। उसने देखा वो नजारा और उसके प्यार में वो गिर गया। क्रूस के प्यार में गिर गया। हालेलुया। जब हम क्रूस का नजारा अपनी आंखों के सामने लाएंगे हम देखेंगे कि मेरी ओ जगह वहां पर थी लेकिन उसने मेरे लिए खून बहाया है। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ ओ देश में पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं, मुझे पैदल जाने की जरूरत नहीं, मुझे पूरे शरीर को ओ मारने की जरूरत नहीं। उसने सब फिनिश कर दिया है, सब क्रूस पर पूरा कर दिया है। हालेलुया। वो उसके प्यार में गिर जाते हैं वो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो भी उसके प्यार में गिर गया। बोलो प्यार में गिर गया। देखेंगे हम कैसे प्यार में गिरते हैं वो, देखना है नहीं पास्टर जी? हमें लोग कैसे युवता युवती जवान 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 लोगों को प्यार में गिरते हुए देखते लेकिन ये परमेश्वर के प्यार में गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया। बाइबल में देखेंगे हम सेकंड सैमुएल 24। तब शाऊल का पोता मफीबोशेत राजा से भेंट करने को आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक न तो अपने पांवों के नाखून काटे और न अपनी दाढ़ी बनवाई और न अपने कपड़े धुलवाए थे। हाँ प्रेज द लॉर्ड। उसने नाखून काटे नहीं, कपड़े धुलवाए नहीं, दाढ़ी भी बना बहुत बड़ी कर दी थी। पास्टर जी ये तो अभी नॉर्मल है, अभी सब लवर ही है यहाँ पर, अभी तो फैशन है दाढ़ी बढ़ाने का जवान लोगों में। लेकिन वो किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी लड़की को नहीं, लेकिन हालेलुया ये दाऊद के प्यार में वो गिर गया था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो जब अबशलोम उसके पीछे दौड़ा मारने के लिए तब दाऊद यरूशलेम छोड़ के भाग गया और उसका सिंहासन उसने छोड़ दिया। ओ बहुत बुरा समय आया दाऊद के ऊपर। हालेलुया। उस समय हालेलुया उसने क्या किया, जब तक दाऊद रिटर्न नहीं आता, जब तक दाऊद वापस राज्य नहीं करता, जब तक दाऊद यरूशलेम के सिंहासन पर बैठता नहीं, उसने उसकी दाढ़ी बनाई बढ़ाई। हालेलुया। उसको दाढ़ी भी काटी नहीं, उसकी राह देख रहा था वो। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट अ वंडरफुल लव। बोलो व्हाट अ वंडरफुल लव। अब बोलेंगे कैसे उसके प्यार में गिर गया। अरे वो योनाथान का बेटा था, वो साधारण का व्यक्ति नहीं था। योनाथान उसके प्यार में गिर गया। ये भी गिर गया कि मैं लायक नहीं था, पात्र नहीं था, लेकिन मुझे उसने बेटा बनने का अधिकार दिया। ओ व्हाट अ वंडरफुल। उसने हमें अब्बा पापा बोलने का अधिकार दिया है, हमको बेटा और बेटी बनाया है। मेरे प्यारे भाइयों, हम किसी के पात्र नहीं थे, हम उड़ाऊ पुत्र के समान थे, हम पापों में गिरे हुए थे, हम दलदल में फंसे हुए थे, हम परमेश्वर से दूर थे,
उसको पुत्र और कन्या होने के लायक नहीं थे, फिर भी उसने गले से उसको लगाया और वापस उसको बेटा करके स्वीकार लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ मेरे प्यारे भाइयों, वो भी सोचते रहा, ओ मैं तो बेटा होने के लायक नहीं था, मैं तो शत्रु का पुत्र था, मैं प्राण दंड के योग्य था, लेकिन फिर भी उसने दया दिखाई है। हालेलुया, उसके सिवाय मैं कैसे जीऊं। हालेलुया, उसके सिवाय मैं जी नहीं सकता हूं। हालेलुया, लोग बोला जब दाऊद भाग गया अबशलोम से, सीबा उसको मिलने के आया बहुत बड़े गिफ्ट लेकर, वो गिफ्ट लेकर सीबा, देखो परमेश्वर बोल रहा है हमें कि परमेश्वर का रैप्चर नजदीक है, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज कमिंग सून। हालेलुया, यीशु का दूसरा आगमन जल्दी हो रहा है। हालेलुया, लेकिन चर्च में कौन कौन से कैसे प्रकार के लोग हैं, बोलो कैसे कैसे प्रकार के लोग हैं। मैं आज चार प्रकार के लोग बताऊंगा। कितने प्रकार के? एक है मफीबोशेथ, जो बहुत परमेश्वर से प्यार करता था, वो सेकंड कमिंग हालेलुया की राह देख रहा था कि कब दाऊद राजा बनेगा, कब सिया ये पृथ्वी पर वो कंट्रोल करेगा। हालेलुया, किसी पैसे पर उसकी आंखें नहीं थी। मेरे प्यारे भाइयों, सीबा बोला, दाऊद बोला, तेरा धनी किधर है, मफीबोशेथ किधर है तेरा? सीबा कौन था? सीबा शाऊल का एक हालेलुया योद्धा था, अधिकारी था। जब शाऊल मरने के बाद सीबा क्या करता है, दाऊद से हाथ मिलाता है, हालेलुया उसके युद्ध में शामिल हो जाता है। फिर बोलता है कि कौन है जो योनाथान के हालेलुया शाऊल का वंश में से कौन है जिसको मैं दया करूं? तो बोला एक है बाबा, बोलो एक है। देखो सीबा बहुत अच्छा शुरुआत थी उसकी। कुछ कुछ हमारे लोगों की बहुत अच्छी शुरुआत होती है। उसने उसको ढूंढ कर लेके आया दाऊद के चरणों में। हम विनिंग सोल बहुत करते हैं जब हमारा उद्धार हो जाता है। इसको बताओ, उसको बताओ, इसको बताओ, रिलेटिव को बताओ, फ्रेंड को बताओ, अरे बहुत अच्छा दाऊद है, बहुत अच्छा प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया उसके पास आओ, हालेलुया वो आप पर दया करेगा। वो सीबा की वो अच्छी शुरुआत, बोलो अच्छी शुरुआत। हाँ, बाद में उसकी हवा हवा निकल गई। जिससे हमारी निकल जाती है। हालेलुया, बहुत ओ उसको लेके आया, लेकिन जब ओ दाऊद भाग गया अबशलोम से, हालेलुया, तब उसने क्या किया, दाऊद ने पूछा किधर है तेरा मालक, धनी के तेरा ये किधर है, अब मफीबोशेथ किधर है? वो बोला अब मेरे बाप का राज्य मुझे वापस मिल जाएगा। हालेलुया, वो राह देख रहा है कि शाऊल का राज्य वापस उसे मिल जाए। झूठा बोला, बोलो झूठा, बोलो झूठा। जब हम परमेश्वर से प्यार करने वाले होते हैं, हमारे खिलाफ लोग झूठे बोलते हैं 101%। लेकिन जब दाऊद वापस सिंहासन पर आया तो उसने बोला मफीबोशेथ तू क्यों ना आया? तो बोला एक मेरा कर्मचारी था, उसने मुझे धोखा दिया, और वो कर्मचारी कोई नहीं था, यही था वो। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आप पढ़ेंगे 16 अध्याय पहला वचन में, दाऊद छोटी पल से थोड़ी दूर बढ़ गया कि मफीबोशेथ का एक कर्मचारी सीबा, कर्मचारी बोलो कर्मचारी, हाँ पास्टर मैं तो हूँ बेचारी। क्या हालत हुई है हमारी। फिरती हूँ यहाँ पर मारी मारी। हालेलुया। उसका और जब दाऊद ने पूछा कि तो बोला मफीबोशेथ बोला कि मेरा कर्मचारी, मैं तो लंगड़ा था, उसने मुझे धोखा दिया। बोलो कर्मचारी कौन था? बोलो सीबा था। हालेलुया। तो बोला उसने कुछ नहीं बोला। हालेलुया, दाऊद बोला जब मफीबोशेथ ने
मफीबोशत के बारे में उसने झूठा बताया, दाऊद ने उसकी हालिया मफीबोशत की प्रॉपर्टी उसको दे दी। बोलो सारी प्रॉपर्टी गई। हम उसके जगह पे रहते थे, अरे प्रभु एक ऐसा है परमेश्वर, मैंने तो उससे बहुत प्यार किया, मैं तो इधर दाढ़ी बढ़ा रहा हूं और इधर लोग मेरी काड़ी लगा रहे। ये सीमा देखो, मेरे वजह से हल्लिया आशीषित हुआ लेकिन मेरी चुगली कर रहा है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे 100%। बोलो मिलेंगे, बाजू वालों को बोलो मिलेंगे 100%। प्यार करने वालों को मिले, खींचने वाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर से प्यार करते लोग हमें खींचने वाले हालेलुया लोग मिलते हैं 100%। बोला बोलेंगे पास्टर आप कैसे बोल रहे हैं, अरे यूसुफ नहीं प्यार करने वाला था, लोग आए। दाऊद नहीं प्यार करने वाला था, लोग आए। हालेलुया। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे लेकिन उसके दिल में उसके बारे में कुछ नहीं था। जब दाऊद को सच सच बताया, उसने बोला नहीं ये कर्मचारी, बाइबल में उसने उसका नाम नहीं लिया, वो बोला कि ये कर्मचारी ने मुझे फंसाया। हम उसके जगह पर रहते थे उसकी सारी कुंडली बता देते थे। ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, झूठ बोला, दोष लगाया, मुझ पर आरोप लगाए पास्टर जी, प्रभु ये प्राणदंड के योग्य है, मरने के योग्य है। हालेलुया, कुछ भी नहीं, बोलो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये लवर होते जो सबको कवर करते प्यार सबको, हालेलुया, सारे दोष को ढक लेता है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ परमेश्वर से प्यार नहीं, हो प्रभु प्रभु वो प्यार हालेलुया इधर आता है और फिर वो बहते रहता है। हालेलुया। उसने कुछ भी नहीं बताया, हालेलुया, और वो बोला कि प्रॉपर्टी दोनों में बांट दो। हम जगह पर देखो, थैंक यू लॉर्ड मिल गई प्रॉपर्टी। हम उसकी जगह पर तो नहीं है, दोनों को नहीं सही, इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये कर्मचारी वही है। ये पात्र नहीं है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, उसने कुछ नहीं बोला तो उसने क्या बोला, हम पढ़ेंगे। हालेलुया, सेकंड सैमुएल 29 और 30। राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है? मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सिबा दोनों आपस में बांट लो। तब मफीबोशेत ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुशल सेम से अपने घर आया है, इसलिए सिबा ही सब कुछ ले ले। सब कुछ वो ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू आपस राज्य करने आया है, हालेलुया, यही मेरे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएंगे मफीबोशेत के लिए। हालेलुया। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हालेलुया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू आ गया मेरे लिए काफी है, तेरा मेज, तेरे साथ मेरी फिलोशिप ही मेरे लिए काफी है, और तेरी सानिध्य, तेरी हुजूरी मेरे लिए काफी है। हालेलुया, ये प्रॉपर्टी उसको दे दे। हालेलुया। हम बोलते थे ये लायक नहीं थे, लेकिन ये लवर होता है मेरे प्यारे भाई। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर से लव करते हैं? हालेलुया। जब हम परमेश्वर से लव करते हैं तो सिर्फ परमेश्वर से नहीं, जो पात्र नहीं है, जो लायक नहीं है, उनसे भी हम प्यार करेंगे। वो सच्चा लवर होता है। वो सच्चा लवर होता है मेरे प्यारे भाइयों, जो स्टेफन ने प्रार्थना की, प्रभु ये कुछ समझते नहीं क्या कर रहे है, क्या कर रहे है, वो पत्थर मार रहे, बच्चे मार रहे थे क्या? लेकिन वो जो प्यार करने वाला बोलता है, अरे बच्चा है वो। कौन है? बोलो बच्चा है, बोलो ना। हाँ, आपकी आंखों के सामने वो उस व्यक्ति को लाओ जो आपको सिबा की तरह आपके पैर खींचता है, आप पर दोष लगाता है, आरोप करता है, बोलो बच्चा है वो। आप बोले बच्चा नहीं, घोड़ी हो गई है, घोड़ा हो गया वो। कब्र में जाने के लिए अभी टाइम हो गया और आप बोल रहे बच्चा है। पॉल कहता है कि जो दुर्जन है उसके लिए
मैं बच्चे जैसा हो जाता हूँ, और जो अच्छे लोग हैं उनके लिए मैं सयाना हो जाता हूँ। बच्चे हो जाओ आप, उनको बच्चे बोलो। कुछ लोगों को बच्चे नहीं भी बोलो तो भी हार्ट में ऐसा होता है, अरे ऐसा क्यों बोला, मुझे हार्ट फेल होने वाला है। अरे वो बच्चे को समझ में नहीं आता। हालेलुया। ओ मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप दिल पे मत लो, हालेलुया, उसको फॉरगिव कर दो, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्षमा की है, आप दूसरों को क्षमा कीजिए। ओ पर मैं दाऊद ने उसको क्षमा की, उसने सीबा को क्षमा कर दी। परमेश्वर ने यीशु बोलता है, जैसे मैंने आपको क्षमा की है, पाप दूर किए है, आप भी दूसरों को क्षमा कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा एक व्यक्ति था जो शिमी था, बोलो शिमी, गाली देने वाला, बोलो गाली देने वाला। जब दाऊद भाग चुका था शाऊल से, हालेलुया, तब वो गाली देकर उस पे ऊपर धूल फेंकता था। लेकिन वो बोला परमेश्वर नहीं भेजा रहेगा। बोलो परमेश्वर नहीं भेजा है। ऐसे लोग परमेश्वर भेजता है। सोना और चौका चौका हो जाए, कुंदन हो जाए, और आप लाइटिंग लाइटिंग, और हालेलुया, आपका देह स्वभाव मरता जाए। हम प्रेयर भी करते हैं, लेकिन प्रभु मैं घटू तू बड़े, मैं घटू तू बड़े, बातें करते हो बड़े बड़े। हम घटेंगे जब ये लोग आएंगे अपने हो। हम घटेंगे, हालेलुया। नो सिर्फ प्रेयर नहीं मेरे प्यारे भाइयों, हालेलुया। ये जो शिमी था वो भी हालेलुया गालियां देता था, लेकिन जब दाऊद सिंहासन पर बैठा, बड़े बड़े हालेलुया गिफ्ट लेकर आ गए वो। जब हम प्रॉब्लम में रहते हालेलुया, हमारे पास फेमस नहीं होते, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं होता, हमारे पास सियासन नहीं होता, हमारे पास किसको पद नहीं होता, हालेलुया, लोग हमारे हालेलुया हमारे पैर खींचने के लिए आते। लेकिन जब हम फेमस हो जाते तो हमारे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर भी हालेलुया दाऊद दया करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो दया करता है। और उसने कुछ नहीं किया मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ और कुछ किया तो नहीं, उसको बोला हालेलुया तू यरूशलेम में रहना। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला राजा 2:36। तब राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा तू यरूशलेम में अपना एक घर बनवा कर, यरूशलेम में घर बना, हाँ, वही रहना, वही रहना, और नगर से बाहर कहीं न जाना। तू निश्चय जान रख, तू निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकल कर किद्रोन नाले के पास पार उतरे, उसी दिन तू निस्संदेह मारा जाएगा। व्हाट अ मर्सीफुल। हम दाऊद की जगह पे रहते और हम सियासन पे बैठते तो पहला ऑर्डर शिमी को हले योहान की तरह काट दो, योहान का सिर कैसा काटा उसके समय नहीं काटना उसको। और अकेले में नहीं काटना, सारे लोगों के सामने पता चल जाए ना कि इसने क्या किया था, इसका क्या हर्ष हुआ है। हालेलुया। लेकिन दाऊद इतना दयालु है मेरे प्यारे भाइयों, वो दया करते रहता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह दया करने वाला है, वो सब पर दया करता है। हालेलुया। जो उसने उस जिसने दाढ़ी उड़ी उसके वो क्षमा कर दिया, जिसने हालेलुया भाला खोज दिया खोप दिया और उसको भी क्षमा कर दिया, जिसने थूका उसको भी क्षमा कर दिया, जिसने मारा और बाल खींचे, हालेलुया, वो कौन मारा बताओ मुझे, आत्मा से भविष्यवाणी से उसने बता रहे तो पूरा हिस्ट्री कुंडली उसका पता था, उसका बाप का नाम, उसका ग्रैंड फादर का नाम, उसके ग्रैंड फादर का नाम सब पता था प्रभु यीशु। हालेलुया। लेकिन उसने सब पर दया की मेरे प्यारे भाइयों, हालेलुया। ओ शिमी पर दया करता है, परमेश्वर हम पर भी दया करते हैं। जो प्रभु यीशु के आने से पहले लोगों को मारते थे, मैंने देखा है, मैंने सुना है बहुत लोगों को, हालेलुया, तकलीफ प्रॉब्लम सताओ
मेरी मिसेस की साक्ष्य है, जब वो चर्च में जाती थी उसका बाइबल था, क्यों जाता जाती है चर्च को, और आने के बाद सब कुछ उनका जो हल सालना है, उनका जो खाना है रोटी है सब कुत्ते को देते थे वो, उसका भाई। लेकिन फिर भी हालेलुया मेरे मिसेस ने बंद नहीं किया हुआ, हम जाकर उस पे जगह फिरते प्रभु अरे तू आप जिंदा परमेश्वर है, ये क्यों नहीं, ये क्यों कर रहे तू। फिर भी सुबह उठकर और तलवड़े से दापुड़ी में रिक्शा से और वर्शिप होने से पहले, शुरू होने से पहले वहां पर हाजिर। बहुत लोग वर्शिप होने के बाद आते हैं। You are not lover. Sorry to say you. You are not lover. और आप lover भी रहेंगे लेकिन आपका हालिया passion कम होते जा रहा है। आपका परमेश्वर से प्यार कम होते जा रहा है। आप पर परमेश्वर ने दया की है। हालिया मपीपोशेत ने जब उसको लोदबार से लाया, ओ यरूशलेम में लाकर सियास मेज पर बिठाया, उसने बाइबल में लिखा है उसने दंडवत किया उसको। मुंह के बल गिर गया, बोलो मुंह के बल गिर गया। हाँ, जिसको मालूम होता है कि परमेश्वर ने मुझ पर दया की है वो मुंह के बल गिरकर वर्शिप 100% करेगा मेरे प्यारे भाइयों। हालेलुया, वो पीछे नहीं हटेगा, वो वर्शिप होने के बाद नहीं आएगा मेरे प्यारे भाइयों, वो वर्शिप को परमेश्वर को महिमा करेगा। प्रभु मैं पात्र नहीं हूं, मैं लोदबार में था, मैं माखिर में था, पाप में डूबा हुआ था, लेकिन तूने मुझे हालेलुया ओ सिंहासन के सामने लाया है, ओ जो लंगड़े और अंधे लोगों को राजमहल में प्रवेश नहीं लेकिन तूने मुझे प्रवेश किया। लंगड़ा आदमी मुंह के बल गिरना कितना असंभव है। साधारण नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन उसने सब अपने ओ टांगों की परवाह नहीं की, उसने पैरों की परवाह नहीं की, मुंह के बल गिर गए वो। हालेलुया, हम लोगों को बोला अरे हाथ उठाओ रे बाबा हाथ उठाओ। लोगों पैसा देंगे तो बहुत बोल 8 घंटा चिल्ला कर प्रचार करते लोगों का। अरे उसने सब कुछ दिया है, उसका प्रचार किधर गया? उसकी सुती किधर गई? हालेलुया, सिबा पर भी परमेश्वर ने दया की थी, अच्छा था, बोलो अच्छा था, लेकिन बाद में उसका सब से कंट्रोल, सब फोकस दाऊद से हटकर प्रॉपर्टी, पैसा, जग की अभिलाषा, दुनिया की दुनियादारी, उसका फोकस चेंज हो गया। हालेलुया, आत्मा जीतने वाले होते शुरुआत में, फिर उसका फोकस चेंज हो जाता है। हालेलुया, फिर मपीपोशेत प्यार जो परमेश्वर से प्यार करने वाले उनको भी छोड़ते नहीं वो। शाऊल भी बहुत परमेश्वर से प्यार करने वाला था, याजक पर भी तलवार चलाने के लिए उसके हाथ नहीं कांपे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जब फोकस चेंज हो जाता है, हालेलुया, आदमी का दिमाग चेंज हो जाता है, वो कोई कुछ भी कर सकता है वो। हमारा फोकस उस पर रहने दो, उस क्रॉस को भूलो मत। हालेलुया, वर्शिप शुरू होने से पहले यहां पर आ जाओ। जो सुन रहे हैं वो भी हालेलुया, जो परमेश्वर के लवर होते हैं वो वर्शिप के बाद नहीं आते मेरे प्यारे, वर्शिप परमेश्वर की करते हैं, परमेश्वर की आराधना मुंह के बल गिरते हैं, उनके खुद की पर्सनैलिटी को देखेंगे नहीं, और मेरा ड्रेस को नहीं देखेंगे, मेरे हाँ मेरी स्त्री खराब हो जाएंगी वो नहीं देखेंगे, हालेलुया कपड़े भी खराब हो जाए वो मुंह के बल गिर जाएंगे वो। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल में लिखा है ओ हालेलुया कि आगे मत जाना, ये नाले से आगे गया तो तू मर जाएगा। ओ शिमी को, ओ वंडरफुल, परमेश्वर ने दया की। व्हाट अ वंडरफुल लॉर्ड, कितना दयालु है तू, कितना दयालु है तू, कितना दयालु है तू, कितना दयालु है तू। जो लोग भी शाऊल था उसका पॉल में परिवर्तन किया, वो भी लोगों को मारता था, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों फिर भी परमेश्वर ने उस पर दया की। हालेलुया,
हालेलुया। ओ उससे दया नहीं की, उसको तो बहुत बड़ा ऊंचाई पर परमेश्वर लेके गया। व्हाट अ वंडरफुल एंड लविंग फुल, व्हाट अ मर्सीफुल गॉड वी सर्व। हमारा परमेश्वर कितना दयालु है मेरे प्यारे भाइयों, उसकी दया देखकर हमारे आंखों में आंसू आने चाहिए। उसकी दया को हालेलुया स्मरण कर हमारे दिल मोम की तरह पिघलना चाहिए वर्शिप के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे हाथ ओ किसी ने नहीं बोलते हुए भी ऊंचे स्वर्ग की ओर उठने चाहिए। हालेलुया। हमारे पैर किसी ने हमें दबाव, किसी ने हमें प्रेशर नहीं करना चाहिए कि अरे डांस करो नाचो, उसने ये किया वो किया। हाले किसी लवर को बताने की जरूरत नहीं रहती कि डांस करो। हमारे पैर हालेलुया उसकी दया को देखकर हालेलुया झूमने लगने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ओ मेरे प्यारे भाइयों, हालेलुया उसने उस पर भी दया की हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसके बाद क्या हुआ, उसके दो गुलाम हालेलुया सेवक दास लोग भाग गए। बोलो भाग गए, वो भी उसके पीछे गया उनको। और किद्रोन के पीछे जाकर उनको वापस ले आया। तब सुलेमान को पता चल गया, दाऊद के लड़के को पता चल गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। हालेलुया। आप बोलेंगे क्या हुआ पास्टर जी, उसके गुलाम गए थे ना। नॉर्मल है पास्टर जी, बोलो नॉर्मल है। हाँ, कुछ लोगों के लिए चर्च आना भी, दांटी मारना भी नॉर्मल होता है। बोलो नॉर्मल है। हाँ, पे आवाज कम हो जाएगा मुझे मालूम था 100%। कुछ कुछ महीने में 1000 मारते हैं और वो बोलते क्या ना पश्चिम, ये प्रॉब्लम था, ये था। पाहुणे आले होते देव पण म्हणून, तू पण पाहुणे, तू का माझा पुत्र नाही बाबा। अरे पुत्र आणि कन्या तुला बनवलेलं आहे। व्हॉट अ वंडरफुल हालेलुया। लोक कुछ भी नाही होता, पुत्र कन्या बेटा बेटी। अरे तू लोधबार में था, रेगिस्तान में था, पापों में था, हालेलुया, लेकिन तुझे पुत्र बनाया है। ओ दैट इज द प्रिविलेज, वंडरफुल परमेश्वर ने। नहीं पास्टर जी, हाँ हमें अंबानी ने गोद लिया तो हम करेंगे यार बाबा, धन्यवाद। क्योंकि बहुत बड़ा डबुला मिलता है ना हमको। अरे स्वर्गीय परमेश्वर ने जिसने अंबानी को बनाया हालेलुया, वो सबने आकाश पृथ्वी बनाया, उसने आपको गोद लिया है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्ही त्याचे दत्तक वारस त्याने बनवलेला आहे। मला मी परमेश्वराचा पुत्र आहे। याच्याऐवजी मग मी अंबानीच्या असं तर असं चाची वर करून बोलला असता, बेड कशासारखी फुगून। देवाचे पुत्र आणि कन्या तुम्हाला बनवलेला आहे। हालेलुया। मफिबोशेतला ते माहिती होतं। हालेलुया। तो म्हटला माझा बाप देखील, मेरा बाप भी उसके प्यार में गिर गया, मैं भी उसके प्यार में गिर जाऊंगा। हालेलुया। उसकी सिर्फ यही रहा था कि कब आएगा दाऊद। हम उसकी जगह पर रहते, अरे प्रभु दाऊद कब आएगा, मैं इसकी सब चुगली को अभी सब बताने वाला हूँ, कब मैं तेरा मुझ पर जो दोष लगाए है वो दोष का निराकरण करूंगा मैं। That is not lover. वो दूसरे की ओर देखता नहीं कि कौन कर रहा है क्या कर रहा है, उसकी आंखें सिर्फ हालेलुया रैप्चर की ओर। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा हमें वो इनाम देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें प्रतिफल देगा, उसकी आंखें उस पर होती है मेरे प्यारे भाइयों। वो नहीं देगा अरे प्रभु अभी सच्चा झूठा हो जाएगा, अरे सब अरे वाह वाह खर खोट। मराठी मध्ये लोकांना लय आवडतं खर खोट। खर खोट करत बसलं नाही तो। त्यांनी तर नाव पण नाही सांगितलं की कर्मचारी हाच येतो, हाच तो विलन आहे दाऊद। याच्यामुळे मी नाही आलो रे तुझ्या मागं, नाही तर मला यायचं होतं। आणि मी आलो नाही तर माझं सगळं याने हे करून टाकलं मग। पण त्यांनी काहीच सांगितलं नाही। हो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हो हालेलुया। ये परमेश्वर के लवर होते हैं मेरे प्यारे भाइयों। ओ चर्च में हालेलुया आज भी ऐसे लवर, ओ जब प्रभु का रैप्चर हो रहा होने वाला है, नजदीक है हालेलुया, कुछ लोग ऐसे भी मफिबोशेत जैसे होते हैं, सबको क्षमा कर देते हैं। लेकिन ये शिमी जो है उस पर क्षमा की थी, उसके दास क्यों भाग गए? मैं आपको बोल रहा हूं अच्छा सा इसलिए
बाइबल में लिखा है, हालेलुया, जब वो अच्छा उसका जब मालिक रहता था, ओनर रहता था, हालेलुया, शेठ रहता था, तो वो उसके कानों को हालेलुया ये करते, छेद करते थे और बाली पहनते थे। हालेलुया, आप हमारे, हमारा लाइफ लॉन्ग आप हमारे मालिक है, हम आप हमारे ओनर है, मैं आपका दास रहूंगा लाइफ लॉन्ग। बोलो लाइफ लॉन्ग। ये लाइफ लॉन्ग नहीं, वो भाग के गए थे, क्यों? अच्छा नहीं था वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ मेरे प्यारे भाइयों, ओ दाऊद ने तुझ पर दया दिखाई, अरे तू लोगों को क्यों नहीं दया दिखाता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, परमेश्वर ने हम पर बहुत दया दिखाई लेकिन लोगों पर दया नहीं देख करते हो। परमेश्वर ने हमारी क्षमा की है लेकिन लोगों की क्षमा नहीं करते हो। परमेश्वर का आना नजदीक है मेरे प्यारे भाइयों। क्या आप वो शिमी हो? क्या आप वो शीबा हो? क्या आप मफीबोशेत हो? और एक व्यक्ति को मैं बोलना चाहता हूं, फिर मैं खत्म करूंगा। सेकंड सैमुएल 19:31-32। तब गिलादी बर्जिल्य रोगलीम से आया और राजा के साथ यर्दन पार गया कि उसको यर्दन के पार पहुंचाए। बर्जिल्य तो वृद्ध पुरुष था, वृद्ध पुरुष था अर्थात 80 वर्ष की आयु का था। जब तक राजा महनैम में रहा तब तक वह उसका पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वह बहुत धनी था। धनी था लेकिन 80 साल खाता दाऊद का पालन पोषण करता था वो। हालेलुया। ओ मेरे प्यारे भाइयों, हम परमेश्वर के ओ आना नजदीक है। बाइबल में लिखा है लूक 18 में, हालेलुया, जब स्वर्ग से परमेश्वर आएगा तो उसे विश्वास दिखाई देगा क्या? हालेलुया मेरे प्यारे भाइयों। ओ वो बर्जिल्य 80 ईयर का था लेकिन थका नहीं था, नो एक्सक्यूज। जो उसके साथ था, उसके पास पैसा था, पैसे से उसकी सेवकाई की। हालेलुया। ओ मेरे प्यारे भाइयों, ओ परमेश्वर, हालेलुया। आज क्या आपकी स्थिति है? क्या आप मफीबोशेत कह सकते हैं कि प्रभु मैं मफीबोशेत हूं? क्या आप कह सकते हैं? जब आप लोगों को क्षमा ही नहीं करेंगे तो आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई? हालेलुया। क्या आप सीबा है? सीबा जो था, हालेलुया, बहुत अच्छा स्टार्टिंग हुआ था उसका, लेकिन फोकस हट गया। बोलो फोकस हट गया। क्या आप शिमी हो? आप पर दया की लेकिन आपने लोगों पर दया नहीं की। आपकी, आप वो दया भूल चुके हो। आपकी बाउंड्री क्रॉस कर चुके हो। क्या आप बर्जिल्य है? हालेलुया। देखो परमेश्वर के राज्य में जो रुद्ध है उसको भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आपको मत कहो प्रभु मैं तो कुछ नहीं हूं, 80 साल हुआ है। नहीं नहीं, परमेश्वर आपको भी परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सेवा, हालेलुया, करते रहा वो। हालेलुया मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु का आना नजदीक है। क्या आप बर्जिल्य जैसे कहेंगे, हालेलुया, कि मैं वृद्ध भी हो जाऊं फिर भी तेरे लिए मैं दौड़ूंगा, तेरे लिए मैं कार्य करूंगा। हालेलुया। क्या सेवा की तरह आपका सब पावर चला गया है, पैशन चला गया है? हालेलुया। ओ जो लोगों को ढूंढने, हालेलुया, मफीबोशेत को लाते थे आप, ओ हालेलुया, लेकिन आप क्या सब भूल चुके हो? परमेश्वर आपको बुला रहा है। हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू।
वॉरियर है। दाऊद के पास बहुत बड़े वॉरियर थे, माइटी माइटी वॉरियर, एक एक 500,000 को मारने वाला व्यक्ति थे, बड़े बड़े योद्धा थे। लेकिन मफीबोशेथ, हालेलुया, ओ उसके साथ मेज पर खाना खाता था। और यारबा शंदा रबा 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 रबा, ओ यारबा शंदा रबा रबा रबा, ओ यारबा रबा, उसके वॉरियर खड़े रहते थे, लेकिन मफीबोशेथ दाऊद के साथ बैठा हुआ था। ओ यारबा शंदा, राजपुत्र बनाया उसने। ओ वो भूला नहीं। ओ मेरे प्यारे भाइयों, जो दाऊद ने उसकी दया की थी, ओ उस पे तरस खाया था, वो भूला नहीं। और यार शानदार रबा रबा रबा, इसलिए उसकी आंखें प्रॉपर्टी पर नहीं थी। वो बोले सारी जमीन सिबा को दे दो, ओ मुझे कुछ नहीं चाहिए, ओ आप आ गए, ओ यार यही मेरे लिए काफी है। और यार शानदार रबा रबा रबा, और यार शानदार रबा रबा रबा। ओ क्या चर्च में ऐसे लोग है, क्या आप ऐसे लोग हो, और यार शानदार रबा रबा, जो कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। और यार रबा रबा रबा, और यार शानदार रबा 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 रबा, और यार शानदार। क्रूस की ओर, क्रूस के पास दो चोर थे, एक बोला कि मुझे छुड़ाओ, ओ तू राजा है तो तुझे भी छुड़ा, ओ तू खुद को छुड़ा और मुझे भी छुड़ा दे। और यार रबा शांता रबा, लेकिन दूसरा चोर बोला, ओ नहीं, ओ जब तू सिंहासन, ओ जब तू राज्य करेगा, ओ जब तू राज्यधिकारी येशील माशी आठवण ठेव, ओ मेरी सुधि लेना। और यार रबा शांता रबा 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 रबा, ओ यार लाला शांता रबा रबा, उसने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। प्रभु का आना नजदीक है मेरे प्यारे भाइयों। जीसस इज कमिंग सून, जीसस इज कमिंग सून। और यार रबा शांता रबा रबा रबा, क्या आप मफीबोशेथ जैसे बोलेंगे, ओ यार रे 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 रबा। ओ यार मफीबोशेथ बोला, तेरी वो गुजरी मेरे लिए काफी है दाऊद, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए प्रभु। धन्यवाद। और यार शांत, मैं भी पोषित बोला, प्रभु मैं तेरी हुजूरी में आनंद करूंगा। और यार शांत, ओ सीबा उसका सीनियर था, ओ सीबा का ओ आंखें हट गई। सीबा ने मफीबोशेथ से पहले दाऊद को जाना था कितना दयालु वो है, ओ लेकिन उसका फोकस हट गया। और यार रबा शंदा, लेकिन मफीबोशेथ का फोकस नहीं हटा। और यार रबा शंदा, वो भी उसके बाप के जैसा दीवाना हो गया था। ओ यार रबा शंदा, उसका मन कहीं नहीं लगा। ओ यार उसने दाढ़ी बनाई, उसने नाखून को नहीं काटा, उसका मन सब विचार सब दाऊद। ओ हालेलुया, हमारे विचार ओ सब सिर्फ क्राइस्ट है। और उस दाऊद मफीबोशेथ की तरह हम भी आपके प्यार के दीवाने हैं प्रभु। ओ हालेलुया, वो बोला तेरा प्यार ही मुझे काफी है दाऊद, तेरा प्यार ही मेरे लिए काफी है, मुझे धन दौलत नहीं मिली तो भी चलेगा, ये सारी धन दौलत सिबा को दे दो। ओ मुझे सिबा आपकी हुजूरी दे दो, ओ तेरे पेज के साथ मेज पर बैठकर मैं आनंद मनाऊंगा, यही मेरे लिए काफी है दाऊद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे तुझे प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, पौल कहता है आदर और निरादर में से, दूर नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं, लेकिन सच्चे हैं हम। लोगों को अदृश्य दिखता, अनजाने दिखते हैं, लेकिन सदृश्य है। हालेलुया,
लोगों को अनजाने में दिखते हैं, लेकिन हम तो भी प्रसिद्ध हैं। मरते हुए जैसे हैं, लेकिन देखो जीवित हैं। हम मरते हुए दिखते हैं लोगों को, लेकिन वो कहता है कि हम देखो जीवित हैं। मार खाने वालों के सदृश है, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। ऐसा लगता है कि मार खाकर मर जाएंगे, हालेलुया, लेकिन हमारे प्राण नहीं जाते। शोक करने वालों में सिंह के समान है हम, लेकिन सर्वदा आनंद करते रहते हैं। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आप में कोई रहेगा जो शोक करने वालों के समान आप रहेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हम सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के जैसे हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं हम। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग कहेंगे आप कंगाल हैं, आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहता है लोगों को हम कंगालों के जैसे देखते हैं, लेकिन हम बहुतों को धनवान बना देते हैं हम। ओ वंडरफुल, ओ हालेलुया। ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं, तो भी सब कुछ रखते हैं हम। ओ हमारे पास कुछ भी नहीं रहता कभी कभी, लेकिन वो बोलता है कि सब कुछ रखते हैं हम। हालेलुया। ओ मेरे प्यारे भाइयों, ओ हालेलुया। मैंने ये क्यों पढ़ा है, क्योंकि ओ तेरी हुजूरी तू ही यहाँ परमेश्वर हमें काफी है। हम कंगाल रहेंगे दुनिया के सामने, लेकिन बहुतों को धनवान बनाने की सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी है। बहुतों को धनवान बनाते हैं हम। ओ वंडरफुल होली गोस। ओ पौल की नजर हट नहीं गई मेरे प्यारे भाइयों, वो बोला नहीं प्रभु मैं कब तक कंगाल रहूंगा प्रभु, उसकी नजर हटी नहीं। और यार अब शांत रमा 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 सिंहासनावरती ठेवलंच, मेजावरचा अनुभव तो आम्हाला प्रभू, तो मेजावरचा आनंद आमच्यामध्ये परत येऊ दे प्रभू। तुझी भाकर जो वचन आहे बाबा, मफिबोशेत म्हणाला मला काही नको, मला प्रॉपर्टी नको, मला धन नको, तुझ्या मेजावरतीच मला जो आनंद तोच पुरेसा आहे। आमच्या सगळ्यांमध्ये तो मेजावरचा आनंद परत घाल, तुझ्या भाकरीचा आनंद, तुझ्या प्रार्थनेचा आनंद, तुझ्या प्रेझन्सचा अनुभव, ओ तुझ्या उपस्थितीचा अनुभव, ओ हालेलुया। ओ रिया रब शांत, थँक यू होली गोस्ट, हालेलुया। ओ हालेलुया। मफिबोशेत म्हटला हाच अनुभव सगळ्यात चांगला आहे। दाऊद तुझ्या मेजावरचा जो अनुभव आहे तो या जमिनीवरती नाही, या प्रॉपर्टी मध्ये नाहीये प्रभू। ओ व्हॉट अ वंडरफुल एक्सपीरियन्स विथ गॉड, इंटिमेसी विथ फेलोशिप ऑफ गॉड। कितना बहुत आनंद है जो उसके मेज पर मिलता है, ओ उसके वचनों में मिलता है, उसकी फेलोशिप में मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। ओ वंडरफुल होली गोस, ओ रबा शानदार रबा रबा, ओ हर एक के दिलों में वो आनंद आ जाए परमेश्वर। ओ मफिबोशेत के जैसा, ओ आपके मेज पर बैठकर वचनों को खाए प्रभु, ओ जीवन की रोटी खाए परमेश्वर, ओ हालेलुया, और रिवाइव हो जाए खुदावर। ओ वंडरफुल होली गोस्ट, थैंक यू फॉर योर मर्सी, थैंक यू फॉर योर लव। धन्यवाद करते खुदावंद आपकी महान महान प्रेजेंस के लिए प्रभु। लेट योर प्रेजेंस मेक अस होल एंड रिन्यू अस लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु आपकी महिमा के लिए। ओ हालेलुया। हर एक व्यक्ति को हम आशीषित करते प्रभु, हर एक भाई को हम आशीषित करते हैं, हर एक परिवार को हम आशीषित करते हैं परमेश्वर। ओ लेट बी
multiply and be fruitful in the name of Jesus Christ. बढ़ोती उन्नति हर एक के फैमिली में प्रमोशन पैसे में उनके तंखों में ओ हालेलुया यीशु मसीह के नाम में हम स्वीकारते हैं खुदावन यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं.